तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SD यादव नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 6 है शायद, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 91 तक फिनिश किया था, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 92 है क्या हमारे पास, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारे पास, 92 है कि तीन अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले और इकाई वाले अंक का अंतर है, ठीक है ना। यहाँ पूछा डिफरेंस, जब डिफरेंस पूछा है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इसको डिटेल में करना, ठीक है ना, शॉर्ट में नहीं कर सकते इसको, ठीक है। देखो तो पहले तो हमें कल मैंने बताया था कि दो अंकों की संख्या होती क्या है। दो अंकों की संख्या होती है 10y + x, ये होती दो अंकों की संख्या। अगर हमसे कहा जाए कि तीन अंकों की संख्या, तो तीन अंकों की जो संख्या होती है हमारे पास वो होती है 100, ठीक है ना, वाई प्लस 10x प्लस जेड। हम एक्स वाई जेड की जगह कुछ ही मान सकते हैं, एक्स वाई जेड की पोजीशन कहीं भी रख सकते हैं। सिर्फ एक्स वाई जेड ये रिप्रेजेंट करेंगे कि जो जेड है वो इकाई अंक पे होगा, एक्स है वो दहाई पे होगा, वाई है वो जेड पे होगा, सॉरी वाई है वो सैकड़े पर होगा। इकाई अंक पर जेड होगा, दहाई पर एक्स होगा और सैकड़े पर वाई होगा। अगर हम जेड को यहाँ रख दें तो सैकड़े पर जेड हो जाएगा, ठीक है। तो उस पोजीशन से कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीन अंकों की संख्या की बात करें तो वो है 100y + 10y + z। ये है हमारे पास तीन अंकों की एक संख्या, क्या है ये, तीन अंकों की एक संख्या है। फिर उसने कहा है कि तीन अंकों की एक संख्या सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़े के स्थान का अंक कौन सा है, बाई, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है। इकाई का क्या है, दोगुना है, ठीक है, इकाई का दोगुना है। यानी कि बाई और जेड का रेशियो कितना है, कितना है, 1:2, ये तो बोला है उसने, क्वेश्चन यही तो बोला है कि जो दहाई जो सैकड़े वाला अंक है, जो सैकड़े वाला अंक है वो इकाई का दोगुना है, ठीक है ना। अगर इकाई अंक एक होगा तो वो 2 होगा, ये रेशियो दे रखा है उसने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है, यानी कि एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर 18, ये क्वेश्चन में आंसर है। यानी जो संख्याएं हैं, जो अंक हैं उसकी संख्या के, उसका जो योगफल है कितना है, 18 है। आगे क्या दे रखा है उसने, यदि अंकों को पलट दिया जाए, अगर हम दो अंकों की संख्या में अंक पलटते हैं तो हो जाता है 10y + x से, ये दो अंकों की मूल संख्या है। अगर अंक पलटने की बात करें तो हो जाता है 10x + y, ठीक है। लेकिन तीन अंकों की संख्या में कैसे अंक पलटेंगे, तीन अंकों की संख्या में जब अंक पलटने की बात करता है तो दहाई अंक वहीं रहता है, सिर्फ सैकड़े का और इकाई का अंक पलटे जाते हैं, ठीक है ना। ये मूल संख्या हमारे पास, अगर अंक पलटने पर नई संख्या की बात करें तो नई संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 100z + 10x + y, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर हम तीन अंकों की संख्या में अंक पलटने की बात करें तो जो इकाई पर होता है वो आता है सैकड़े पर, और जो सैकड़े पर होता है इकाई पर, दहाई वाला अंक वहीं रहता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब उसने कहा है क्या, तो वह संख्या 396 कम हो जाती है, यानी कि ये मूल संख्या है, ठीक है ना। मूल संख्या में अगर सैकड़े और इकाई का अंक पलट कर ये संख्या बनाई जाए तो ये वाली जो संख्या है इससे कितनी कम है, 396 कम है। यानी उसने दे रखा है, अगर यहीं से निकाल दें इसका डिफरेंस, ठीक है ना, यानी कि इसको घटा दें, ये माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस करेंगे तो इससे तो ये कट जाएगा, कट गया। तो देखो 100y में से अगर 1y माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 99y, कितना हो जाएगा, 99y, ठीक है। और 100z में से अगर 1z माइनस होगा कितना हो जाएगा, माइनस का 99z बराबर 396। उसने यही तो बोला है कि ये जो संख्या आई ना इससे 396 कम, अगर इसमें से इस संख्या को घटा दें 396 आएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से y माइनस जेड कितना आ गया हमारे पास, तो 396
99 आएगा कॉमन, क्या आएगा 99 कॉमन आएगा, ठीक है आ गया कॉमन, ठीक है। तो बाई माइनस जेड कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास, काटो उसको चार बार कटेगा, ठीक है चार बार कटेगा, कितने बार कटेगा ठीक है ना, काटो उसको तीन से काट दो पहले, तीन कम तीन, तीन तिया नौ और तीन दूनी छः, तीन तिया नौ और तीन तिया नौ, काटो ग्यारह से, ग्यारह कम ग्यारह, ग्यारह दूनी बाईस और ग्यारह तिया तेतीस, तीन चौक बारह, चार ही बार कट रहा था ठीक है ना। तो बाई माइनस जेड कितना हो गया चार, कितना हो गया चार, बाई माइनस जेड कितना हो गया चार, यानी बाई और जेड का डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है चार का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है देखो एक का, ठीक है यहाँ डिफरेंस कितने का रेशियो में एक का, यहाँ डिफरेंस कितने का चार का, तो जो एक की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी हो गई चार, जब एक की वैल्यू चार तो दो की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है मैं इसको यहाँ से बताता हूँ, इसको ऊपर लिखता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अठारह दे रखा है उसने, ठीक है ना। यहाँ डिफरेंस कितने का रेशियो में एक का डिफरेंस है, और यहाँ कितने का डिफरेंस है चार का, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई चार, जब एक की वैल्यू चार हो गई तो दो की वैल्यू कितनी हो गई आठ, भाई एक की वैल्यू चार तो दो की वैल्यू कितनी हो गई चार बटे एक गुणा दो, यानी कि आठ, ठीक है कितनी हो गई आठ, एक की वैल्यू चार दो की वैल्यू आठ, यानी कि बाई बराबर कितना हो गया हमारे पास आठ हो गया, और जेड बराबर कितना हो गया हमारे पास चार हो गया, कितना हो गया चार, और बाई बराबर आठ और एक्स जेड बराबर चार, बाई बराबर आठ और जेड बराबर चार, तो एक्स बराबर कितना हो गया छः हो गया, यहाँ पुट कर दो ठीक है ना। अगर बाई बराबर आठ है और जेड बराबर कितना है चार, तो आठ और चार बारह, और बारह माइनस होगा अठारह में से, तो एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर हो गया हमारे पास छः, ठीक है। अब चलते हैं उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है यहाँ पे, उसने पूछा है कि उसके सैकड़े वाले अंक, तो सैकड़े वाला अंक कौन सा है बाई, यानी कि बाई ठीक है, यानी कि बाई, और दहाई वाले अंक, दहाई वाला अंक कौन सा है एक्स, यानी कि एक्स का डिफरेंस पूछा है उसने, ये पूछा है, तो ये कितना है आठ और एक्स कितना है छः, तो डिफरेंस कितने का हो गया दो का, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो अगर हमसे नंबर नहीं दे रखा है और उस नंबर के अलावा और कुछ पूछा है हमसे, अगर नंबर नहीं पूछा है, नंबर के अलावा और कुछ पूछा है, तो यही तरीका है इसको करने का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। करा क्या हमने, उसने कहा तीन अंकों की संख्या, हमने मान लिया सौ वाई प्लस दस जेड प्लस दस एक्स प्लस जेड, ये तीन अंकों की संख्या है। उसने कहा कि जो सैकड़े वाला अंक है इकाई अंक का दोगुना है, रेशियो बना लिया हमने। फिर उसने कहा कि अंक पलटने पर बनी संख्या, जब संख्या के अंक पलटेंगे तो इकाई वाला आ जाएगा दहाई पर और दहाई वाला पहुंच जाएगा इकाई पर, सॉरी सैकड़े वाला पहुंच जाएगा इकाई पर, सैकड़े वाला पहुंचेगा इकाई पर और इकाई वाला आएगा सैकड़े पर, और दहाई वाले अंक वहीं रहेंगे, ठीक है। फिर उसने कहा कि नई संख्या जो बनी, इस संख्या से कितनी कम है 396, अगर हम इस संख्या में से इसको घटाएं 396 आना चाहिए, ठीक है ना, वही हमने कर दिया, घटा दिया उसको, जब घटाएंगे तो 10 जैसे 10 एक्स से 10 एक्स कट जाएगा, ठीक है ना, 100 बाई में से बाई जाएगा 99 बाई, और माइनस 100 जेड में तब एक जेड जोड़ेंगे तो माइनस का 99 जेड, कितना आ गया बाई माइनस जेड कितना आ गया चार, जब बाई माइनस जेड चार आ गया, यहाँ डिफरेंस कितने का चार का, यहाँ कितने का एक का, एक केवल कितने हुए चार, दो केवल कितने हुए आठ, ठीक है। तो बाई बराबर कितना हो गया आठ, जेड बराबर कितना हो गया चार, ठीक है। तो बाई बराबर आठ और जेड बराबर चार, तो एक्स बराबर कितना हो गया छः, क्यों तीनों का सम कितना था अठारह था। अब उसने पूछा सैकड़े और दहाई के अंकों का डिफरेंस, तो सैकड़े और दहाई के अंकों का डिफरेंस कितना हो गया आठ माइनस छः बराबर दो, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन था नंबर, क्वेश्चन नंबर था 92। अब क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 भी ऐसा ही कहा है कि तीन अंकों वाली संख्या, तीन अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, क्या कहा है उसने, ये कहा है कि तीन अंकों वाली संख्या, मैंने कहा कि तीन अंकों वाली संख्या 100y प्लस 10x प्लस जेड, ये क्या हमारे पास ये तीन अंकों वाली संख्या है, ठीक है ठीक है ठीक है। उसने कहा है अंकों वाली संख्या में इकाई और दहाई के अंक को आपस में बदल दिया जाए, किसको बदलना है इकाई और दहाई को, जब इकाई और दहाई को आपस में बदलेंगे तो संख्या हो जाएगी हमारे पास 100y प्लस का 10z प्लस का x। उसने कहा है इकाई और दहाई,
उसने सिर्फ क्या बोला है, इकाई और दहाई को आपस में पलटो। जब इकाई और दहाई को आपस में चेंज करेंगे तो जेड यहाँ पहुँच जाएगा और एक्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब उसने कहा है बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 63 अधिक होगी, यानी कि इस वाली संख्या में से अगर इसको घटाया जाए तो 63 आएगा। ये तो कहा उसने, यानी कि नई जो संख्या आएगी इस संख्या से 63 अधिक आएगी, यानी कि इस वाले नया नंबर और इस नंबर का डिफरेंस कितना होगा, 63 होगा, तो घटा दो, घटाओ यहाँ से, कितना आ जाएगा 100y प्लस का 10x प्लस का z, जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, डिफरेंस कितना दे रखा है उसने 63, तो 100y से 100y कट गया, कट गया। देखो 10z में से एक z गया तो 9z बचेगा, ठीक है, और माइनस का 10x में से एक x जोड़ेंगे 9x बचेगा माइनस का, तो जेड माइनस एक्स कितना हो गया हमारे पास भाई 63/9, तो कितना हो गया 7। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने, क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने, क्वेश्चन में पूछा है यदि मूल संख्या में इकाई अंक एक्स हो, मूल संख्या में इकाई अंक एक्स हो, लेकिन हमने तो जेड माना है इकाई अंक को, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई, हमने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा, उसने तो क्या रखा है इकाई अंक एक्स, हमने मान रखा है जेड, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, उसने कहा है कि इकाई अंक क्या है हमारे पास एक्स, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक काम करो चेंज ही कर लो, मत चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कहाँ है क्वेश्चन, इकाई अंक एक्स है तो, ठीक है ना, एक्स के तीनों मान संभव होंगे, इकाई अंक एक्स है तो एक्स के तीनों मान संभव होंगे, यानी कि ये हमारे पास इकाई अंक है, हमने जेड माना है, उसने एक्स माना है, उससे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, वो अगर क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते पहले से तो हम भी एक्स मानते हैं, ठीक है ना। तो इकाई अंक में से इस अंक को घटाने पर 7 आना चाहिए, तो इकाई अंक क्या हो सकता है, तो 7 में से अगर 0 घटाएंगे तो 7 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 7 आना चाहिए डिफरेंस, और अगर 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, तब 7 आएगा, और 9 में से अगर हम 2 घटाते हैं तब भी 7 आएगा, तो इकाई का अंक कौन कौन से होते हैं, 7, 8, 9, ये हो सकते हैं हमारे पास इकाई अंक, ये क्या हो सकता है हमारे पास इकाई अंक हो सकते हैं, यानी इकाई अंक की वैल्यू 7 हो सकती है, इकाई अंक की वैल्यू 8 हो सकती है, इकाई अंक की वैल्यू 9 हो सकती है, हमने कैसे निकाला कि इन दोनों का डिफरेंस कितना बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए, और ये क्या है, एक डिजिट है, ये डिजिट में होनी चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, दो अंकों की संख्या नहीं होनी चाहिए, एक अंक की संख्या होनी चाहिए, ठीक है। 7 में से क्या घटाएं कि 7 आए, 0 घटा के देख लो पहले, क्योंकि 0 भी तो हो सकता है ना अंक, 8 में से 1 घटाया तब 7 आया, 9 में से 2 घटाया तब 7 आया, ठीक है ना, उसके बाद 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन अब ये तो एक डिजिट होता है, दो डिजिट हो नहीं सकता, तो ये नहीं हो सकता, तो कौन कौन सी वैल्यू होगी इकाई अंक पे, इकाई अंक पे 7 आ सकता है, इकाई अंक पे 8 आ सकता है, इकाई अंक पे 9 आ सकता है, ये हमारे पास आंसर हो गया। हमने जेड माना है क्योंकि हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था, ठीक है, और उसने माना है एक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसने इकाई अंक पूछा, इकाई अंक पे क्या क्या आ सकता है, इकाई अंक पे 7 आ सकता है, इकाई अंक पे 8 आ सकता है, इकाई अंक पे 9 आ सकता है, ये हमारा इकाई अंक हो सकते हैं, उसने इकाई अंक तो पूछा है, अगर वो ये कह देता कि मेंशन नहीं करता कि इकाई अंक एक्स से पूछ दे कि इकाई अंक पे कौन कौन से अंक हो सकते हैं, तब भी तो इसका आंसर 7, 8, 9 था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 94 तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारे पास कि दो अंकों की इसी संख्या और अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होगा। तो दो चीज़ें देखो, ठीक है ना, मैं दो चीज़ें लिखता हूँ कि दो अंकों की संख्या तथा अंक पलटने पर बनी संख्या का योग हमेशा 11 से विभाजित होता है। दूसरा है हमारे पास कि दो अंकों की संख्या तथा अंक पलटने पर बनी संख्या
संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है, ये याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। क्या मैंने क्या बताया, दो अंकों की संख्या है और उसके अंक पलटने पर जो संख्या बनेगी, जो उसका योग होगा वो हमेशा 11 से कटेगा, और दो अंकों की संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या का अंतर 9 से विभाजित होगा, ठीक है। तो जो 94 जो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या के बीच अंतर सदा किससे कटेगा, तो अंतर देखा है तो 9 से कटेगा। आंसर कितना हो गया, 9 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 94 है कि दो अंकों की किसी संख्या और अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा किससे कटेगा, अंतर है ये हो गया अंतर, तो किससे कटेगा, 9 से। क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है 94 दोबारा पढ़ दिया था मैंने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं, 95 क्वेश्चन है कि दो अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच बीच 9 का अंतर है, तो दोनों अंकों के बीच अंतर होगा, ठीक है ना। उसने क्या रखा है कि एक नंबर है और अंक पलटने पर जो नंबर दे रखा है, अंक पलटने पर जो नंबर बनेगा उसका जो डिफरेंस है वो 9 आ रहा है, कितना आ रहा है 9, तो इस संख्या के जो अंक होंगे उनका डिफरेंस कितना होगा, मैं क्वेश्चन को लिख करवा रहा हूँ, ठीक है ना। कितना होगा, 1 होगा, अगर किसी ने कर रखा होगा इसका आंसर तो 95 का, ठीक है। जब वो हमसे डिफरेंस पूछे या योग पूछे तो कहेंगे 9 से कटेगा और 11 से कटेगा, ठीक है। और जब डिफरेंस दे रखा हो, जैसे यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है 9 का डिफरेंस, यानी कि मूल संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या के बीच जो अंतर है वो कितने का है, 9 का अंतर है, तो पूछा है कि अंकों का अंतर कितना है। जब वो अंतर देगा तो अंतर ही पूछेगा, तो कितना है, इस 9 को 9 से भाग कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो नंबर बनेगा, क्योंकि दो अंकों की संख्या और अंक प्लेट पर बनी संख्या के बीच जो संख्या बनती है, गलत बोल गया मैं, दो अंकों की संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या के बीच जो अंतर होता है 9 से कटता है, किससे कटेगा, 9 से कटेगा, उसने अंतर भी 9 दे रखा है, तो 9 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास अंतर, डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। या ऐसे समझ में नहीं आया तो बता देता हूँ मैं, मान लेते हैं दो अंकों की संख्या 10y+x है, ये है, और अंक पलटने पर जो संख्या बनाएंगे तो बनेगी 10x+y, कितनी बनेगी, 10x+y, ठीक है। दो अंकों की संख्या 10x+y और अंक पलटने पर बनी संख्या 10x+y, यानी दो अंकों की संख्या कितनी है, 10y+x, दो अंकों की संख्या क्या है, 10y+x, और अंक पलटने पर बनी संख्या कितनी है, 10x+y। उसने कहा कि इनका डिफरेंस ठीक है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 9 है हमारे पास, 9 दे रखा है, तो देखो 10y+x जब माइनस से अंदर बढ़ाओगी 10x माइनस का बाई बराबर 9, ठीक है, तो माइनस का बाई कितना हो जाएगा, 9y कितना हो जाएगा, 9x बराबर 9, तो बाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9/9 कितना हो जाएगा, 1। उसने ये तो पूछा दोनों के बीच अंतर कितने का है, 9 का, ठीक है। दोनों के बीच, दोनों अंकों के बीच अंतर कितने का है, संख्याओं के बीच तो अंतर 9 का है, लेकिन अंकों के बीच अंतर कितने का है, तो 1 का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 क्या रखा है कि दो अंकों की संख्या और अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों का योग है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे ही करेंगे, ठीक है। उसने कहा है क्या कि दो अंकों की एक संख्या, मान लेते हैं दो अंकों की संख्या 10y+x अपने अंकों के योग के 5 गुनी है, अंकों का योग x+y या y+x बात देखिए, इसकी कितनी गुनी है, 5 गुनी है, इसका 5 गुना करके बराबर कर दो, क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है ना। दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 5 गुनी है, ठीक है, हो गई 5 गुनी। अब यहाँ से सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 10y+x बराबर 5x+5y, x को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो, ठीक है। जब y को इधर लेके आएंगे कितना आ जाएगा, 5y हो जाएगा, माइनस कर देता हूँ प्रॉपर में, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 10y माइनस का 5y बराबर 5x माइनस का x, कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 5 बाई बराबर 4x। तो बाई रेशियो x कितना हो गया हमारे पास, क्या बाई रेशियो x कितना हो गया हमारे पास, 4:5 ये हो गया हमारे पास, ठीक है ये हो गया हमारे पास। आगे उसने कहा है क्या, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यानी संख्या कितनी थी हमारे पास, संख्या थी 10y+x, इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, ये क्वेश्चन ने कहा है, हमने थोड़ी कहा है, ये कर दिया, ठीक है। उसने ये तो कहा है कि अगर संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, पलट गए, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ से, देखो इसको इधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा 9 = 10x + y - 10y - x। तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 9x और यहाँ से बचेगा -9y, ठीक है। 9 कॉमन आके इसको काट देगा, ठीक है, 9 यहाँ से कॉमन आएगा, इसको काट देगा, कितना बचेगा 1, 1 रहा, कितना हो गया x - y, यानी x - y का जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 1 का आया, x - y का डिफरेंस कितने का, 1 का, और यहाँ भी x - y का डिफरेंस कितने का, 1 का। जब 1 की वैल्यू 1 है तो 4 की वैल्यू 4 और 5 की वैल्यू 5, यानी y बराबर कितना हो गया हमारे पास 5, और x बराबर कितना हो गया हमारे पास, कितना y बराबर कितना हो गया 4, y बराबर 4, x बराबर कितना हो गया 5। उसने पूछा अंकों का योग, अंक x और y ही तो हैं, तो कितना हो गया 4, 5 + 9, 4 + 5 कितना हो गया 9, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मान लेते हैं 2 आ जाता इसकी वैल्यू, कितनी आती 2, तो 1 की वैल्यू कितनी होती 2, 2 की वैल्यू 8 और 5 की वैल्यू कितनी होती 10, ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग निकाल देते। लेकिन यहाँ कितना आ गया x - y 1 आ गया, और यहाँ भी डिफरेंस कितने का, 1 का डिफरेंस, तो 1 की वैल्यू 1, 4 की वैल्यू 4 और 5 की वैल्यू 5, तो 4 + 5 कितना हो गया 9, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास ये 97 तो चलते हैं। यदि किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 110 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 गुना है, ठीक है, संख्या पूछी है। अब हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, ऑप्शन से, ठीक है ना, किससे कर सकते हैं, हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। मैंने कल भी बताया था, कल की वीडियो में भी, अगर हमारे पास संख्या पूछी है हमसे तो हम डिटेल में नहीं करेंगे, एक्स वाई नहीं मानेंगे, ठीक है ना, हम सिर्फ ऑप्शन पर जाएंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। इसके ऑप्शन लिखता हूँ मैं, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है हमारे पास 37, 73, 48 और 84। उसने कहा है दो अंकों वाली संख्या और उसके अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 110 है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं 37 और अंक पलटने पर बनी संख्या कितनी, 73 होगी, क्या इसका योग 110 है, बिल्कुल 110, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरी कंडीशन पर चलते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का अंक दहाई से 4 कम है, गलत हो रहा है, सॉरी, हाँ, इकाई का अंक कितना है 7 है, क्या दहाई से 4 कम है, ये इकाई में तो ज्यादा है ना, ठीक है ना, उसने कहा है कि इकाई का अंक दहाई से 4 कम है, क्या ये 4 कम है, नहीं है ना भाई, इकाई का अंक कम होना चाहिए किससे, दहाई से, तो यहाँ तो इकाई का अंक बढ़ा है किससे, दहाई से, तो ये नंबर में आंसर नहीं हो सकता। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसने कहा था कि इकाई अंक छोटा है किससे, दहाई से, तो यहाँ तो दहाई अंक छोटा है इकाई से, उल्टा हो गया। अब इसकी तरफ आओ, 73 है अंक पलटने पर बनी संख्या, 37 जोड़ें कितना हो जाएगा 110, हो गया 110, ठीक है। अब उसने कहा है कि जो हमारा इकाई अंक है दहाई से 4 कम है, देखो दहाई से 4 कम है, तो आंसर कितना हो गया 73, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो इतना सा क्वेश्चन था, सिर्फ ऑप्शन पे जाओ, सब नंबर पूछा हो तो ऑप्शन की तरफ जाओ, क्योंकि ऑप्शन में क्या होगा, नंबर दे रखा होगा, और नंबर कोई एक ऑप्शन उठाओ और जितनी कंडीशन रखे सबको सेटिस्फाई कर लो, जो ऑप्शन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है।
यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है, क्या पूछिए, मूल संख्या क्या है, संख्या पूछिए, लेकिन इसके शायद ऑप्शन मेरे पास होंगे, हैं ऑप्शन है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ 3461। इसके ऑप्शन है हमारे पास 34, 61, 25 और 16, ये ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, तो पहले ऑप्शन उठाओ, 3 और 4, 7, बिल्कुल सही, पहले कंडीशन ठीक है। ठीक है, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर 34, क्या बोला उसने, यदि अंकों को पलट दिया जाए, अंक पलटने में कितना बनेगा, 43, कितना बनेगा, 43 बनेगा। ठीक है, अंक पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, ये नई संख्या आ गई, इसमें 3 जोड़ दो, कितना हो गया ये 46। ठीक है ना, मूल संख्या की 4 गुनी प्राप्त होती है, क्या 46 34 का 4 गुना है, क्या 34 को 4 गुना करने पर 46 आता है, बिल्कुल नहीं आता, ये ऑप्शन गलत। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन पर आ जाओ, अंकों का योग 7, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा क्या, अंक पलटने पर बनी संख्या कितना हो जाएगा, 16। ठीक है ना, उसने कहा कि जो नई संख्या होनी इसमें 3 जोड़ो, कितना हो गया 19। ठीक है ना, जो संख्या मिलेगी इसका 4 गुना होनी चाहिए, ये 4 गुना तो सही, इसका आधा आधे से भी कम हो गई। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 पर आ जाओ, अंकों का योग 7 है, बिल्कुल सही अंकों का 7 है। ठीक है, उसने कहा अंक पलटने बनी संख्या कितना हो गई 52, और 3 जोड़ो कितना हो गया 55, कितना हो गया 55, क्या ये 55 25 का 4 गुना है, 25 चौका तो 100 होता है, लेकिन ये तो 55 ये भी नहीं है, अब इस ऑप्शन को चेक करने की जरूरत है नहीं, आंसर कितना हो गया 16 हो गया हमारा, देख लो चेक कर लो एक बार, 16, अंकों का योग कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया 7। ठीक है, अंक पलटने बनी संख्या कितनी 61, और 61 3 जोड़ो कितना हो गया 64, कितना हो गया 64, क्या 64 16 का 4 गुना नहीं है, 16 चौका 64, आंसर कितना हो गया आपका 16। तो इस तरह से हम ऑप्शन से उठा उठा कर करेंगे, ऑप्शन को ले लेकर करेंगे इसको। ठीक है ना, कब, जब संख्या पूछी हमसे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 98। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 99। कह रहा है, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अंतर कितना है 4 है। तो सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। ठीक है, तो हो जाएगा, अगर ना हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन। ठीक है, 99 सेम क्वेश्चन है। अब चलते हैं 100 की तरफ। कह रहा है कि एक दो अंकों की संख्या और अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुने के समान है, संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंक के बीच अंतर निम्नांकित होगा। अब इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। उसने कह रखा है दो अंक की एक संख्या है, उसने कह रखा है दो अंक की एक संख्या है, तो लिखो दो अंक की संख्या। हम लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं 10y + x, ये है हमारे पास दो अंक की संख्या। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 100 था। ठीक है, दो अंक की संख्या अंकों के योग के 4 गुना, यानी कि अंकों के योग के 4 गुना, बिल्कुल, और अंकों के योग के 3 गुना, अंकों के गुणनफल के 3 गुना, ठीक है, के समान है, के बराबर है, यानी ये तीनों क्या है आपस में बराबर है, ये तीनों क्या है आपस में बराबर है, तो संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के बीच अंतर निम्नांकित होगा। ठीक है ना, दहाई और इकाई अंक के बीच अंतर पूछा है उसने। ठीक है, तो देखो पहले हम इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं, इन दोनों को लेकर सॉल्व करो, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 10y + x बराबर 4x + 4y, एक्स को एक तरफ, वाई को एक तरफ, एक्स को एक तरफ, वाई को एक तरफ रख दो, वाई इधर आएगा, यानी कि 10y - 4y, एक्स इधर जाएगा, यानी कि 4x - x, कितना हो गया ये हो गया 6y, बराबर कितना हो गया 3x, 3 से कटेगा ये दो बार, ठीक है, तो y रेशियो
एक्स कितना हो गया हमारे पास, एक रेशियो दो, कितना हो गया एक रेशियो दो, कितना हो गया एक रेशियो दो, कितना हो गया एक रेशियो दो, ठीक है। चलो क्या हम वाई की वैल्यू यहाँ से ए मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि रेशियो है, यहाँ से इसकी वैल्यू टू ए मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि रेशियो है, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो ये वाली वैल्यू, कितना हो जाएगा फोर, एक्स कितना है हमारे पास टू ए, और वाई कितना हमारे पास ए बराबर थ्री, एक्स कितना हमारे पास टू ए, और वाई कितना हमारे पास ए, कितना हो गया फोर इंटू दो और एक तीन ए बराबर तीन दूनी सिक्स, इसको ऐसे रहने दो, थ्री इंटू टू ए इंटू ए, देखो एक ए से एक ए कट गया, कट गया तीन से तीन कट, तीन से तीन कट गया, और ये दो से दो बार कट गया, कट गया तो दो बराबर ए, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास दो, जब ए की वैल्यू दो आ गई तो ये कितना हो गया दो और ये कितना हो गया चार। उसने पूछा है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया दो का डिफरेंस आ गया, तो आंसर कितना हो गया हमारे पास दो, बहुत आसान क्वेश्चन था, कितना हो गया आंसर दो हो गया, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या कहते हैं इसके, ऑप्शन है हमारे पास दो माइनस दो माइनस एक और एक, उसने पूछा किसके बीच दशम स्थान यानी कि दहाई बाई, ठीक है, और पूछा है इकाई अंक यानी कि एक्स। देखो एक चीज़ समझ नहीं होगी हमें, जब हमसे अंतर पूछता है अंतर का आंसर हम कभी भी माइनस में नहीं देते, उसने ये कहा था कि दशम अंक यानी कि बाई और इकाई अंक यानी कि एक्स इन दोनों का डिफरेंस बता दो, तो बाई हमारे पास कितना है दो, एक्स कितना हमारे पास चार, आंसर आना चाहिए माइनस का दो, लेकिन उसने पूछा अंतर, अंतर का जो मतलब होता है ना कि बड़े में से छोटे को घटाना, बड़े में से छोटे को घटाना, अगर छोटे में से बड़े को घटाते हो तो माइनस में आएगा, तो माइनस को नहीं लेते हम अंतर में, ठीक है ना, अंतर में हम आंसर माइनस में नहीं लेते, इसका आंसर दो ही आएगा, ठीक है ना, माइनस दो नहीं आएगा, ठीक है। चलो अगर माइनस दो लगा रहे हो तो गलत लगा रहे हो, क्यों, क्योंकि उसने अंतर पूछा है, ठीक है ना, अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है हमारे पास कि एक संख्या दो अंकों से बनी है, ठीक है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या निम्न में से भाज्य होगी, मैंने बताया था किससे भाज्य होगी 11 से भाज्य होगी, क्यों, क्योंकि दो अंकों की संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या का योग किससे कटता है, हमेशा 11 से कटता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के दोगुने, दहाई के अंक का दोगुना है, यदि अंकों को बदल दिया जाता है, अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या 27 अधिक होगी, पुरानी संख्या है, ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास 24, ऑप्शन क्या हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास 24, ऑप्शन हमारे पास 36, ऑप्शन हमारे पास 48, ऑप्शन हमारे पास 63, ठीक है। चलो उसने कहा दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई का दोगुना है, यानी इकाई का जो अंक है, किसका अंक, इकाई का दहाई का अंक, इकाई का अंक दहाई का दोगुना है, इकाई का अंक दहाई का दोगुना है, देखो दोगुना लिखा है, ठीक है ना, ये तो इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, ठीक है ना, दहाई के अंक का दोगुना कौन है, इकाई का अंक, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। यदि अंकों को आपस में पलट दिया जाए, यानी अंकों को पलटने की संख्या बनेगी 42, ठीक है, तो नई संख्या पुरानी से 27 अधिक है, नई संख्या कितनी हो गई 42, कितनी हो गई 42, ये कितनी अधिक है इससे 27, क्या 42 और 24 का अंतर 27 है, कभी नहीं है इसका अंतर 27, घटा के देख लो, ठीक है ना, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, आंसर कितना है 18, ठीक है, तो पहला आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखो क्या इकाई अंक दहाई का दोगुना है, बिल्कुल है, है, और अंक पलटने पर बनी से कितनी हो जाएगी 63, और 63 36 का अंतर क्या 27 है, तो देखो 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, और 5 में से 3 गया 2 बचेगा, आंसर कितना हो गया, ये हो गया, कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, अगर हम एक्स वाई मान करने जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन करने में, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 103 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 103 है हमारे पास कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यदि कोई नंबर, एक नंबर है
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 103 है, कोई नंबर है हमारे पास, मान लेते हैं वो नंबर एक्स है, माना संख्या क्या है हमारे पास, संख्या हमारे पास एक्स है, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यानी कि एक्स में 21 जोड़ दो, जोड़ दिया, तो वह संख्या, तो वह अपनी तीन गुनी से सात कम हो जाती है, अपनी तीन गुनी से सात कम हो जाती है। ये क्वेश्चन ने कहा है, हमने नहीं कहा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो तीन गुनी से सात कम हो जाती है, ठीक है ना। यानी संख्या को तीन गुनी करने पर, तीन गुनी करके सात घटाओगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स क्यूब निकाल लो, क्या करें, एक्स सात को इधर लेके आओ, 21 प्लस सात बराबर 3x माइनस का x कितना हो गया, 21 सात कितना हो गया 28 बराबर कितना हो गया 2x, दो से काटो कितना हो गया 14, तो x बराबर कितना हो गया 14। ये तो उसने पूछा था कि संख्या क्या है हमारे पास, 14 संख्या, ठीक है। चलो अगला, हमारे पास तीन संख्याओं में से दूसरी पहली का तीन गुना और तीसरी संख्या, चलो मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को, तीन संख्याएं हैं हमारे पास, कितनी संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हमारे पास, एक संख्या एक, दो और ये तीन संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, तीन संख्याएं। उसने कहा है कि तीन संख्याओं में दूसरी पहली का तीन गुना, दूसरी पहली का तीन गुना, ये तो कहा है कि दूसरी पहली का तीन गुना, दूसरी जो संख्या है पहली संख्या का तीन गुना, अगर पहली संख्या एक और दूसरी संख्या तीन, ठीक है, और तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या पहली की तीन चौथाई, जो तीसरी संख्या है ये पहले की कितनी है, तीन चौथाई, यानी पहले की तीन बटे चार है, ठीक है ना। कह रखा है कि ये तीसरी संख्या है पहले की तीन बटे चार है, यानी कि ये तीन है तो ये चार है, ठीक है, ये तीन है तो ये चार है, ठीक है। जब एक को बढ़ाकर चार कर दिया हमने, तो चार से गुणा तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, कितना हो गया, चार थी या बारह, और ये कितना हो गया हमारे पास तीन, ठीक है। चलो अगर इस तरह से रेशियो बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं रेशियो बनाता हूँ, जो संख्या कॉमन होती है ना उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है ना। इस तरह से कोई दिक्कत हो तो बताता हूँ कैसे करना, ठीक है। दूसरी का कंपेरिजन पहले का कंपेरिजन दोनों से किया गया, तीसरी से भी और उससे भी, मैं ऐसे बनाता हूँ रेशियो को, ठीक है। उसने क्या रखा है कि दूसरी संख्या पहली का तीन गुना, बिल्कुल तीन गुना है, ये तो बोला है कि दूसरी संख्या पहली का तीन गुना, और तीसरी संख्या इसका तीन चौथाई, यानी कि ये तीन है तो ये चार है, ठीक है। चलो बस क्या हो गया हमारे पास, इसकी एक यहाँ बड़ा हो जाएगी, ये चार यहाँ बढ़ा दें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बारह, ये हो जाएगा चार, और ये हो जाएगा तीन, तो वैसे भी तो आंसर वही आया था हमारे पास, बारह चार तीन, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब पूछा क्या इसने, इसने पूछा है तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 114। जब औसत 114 है तो योग कितना होगा, 114 गुणा तीन, ये हो जाएगा योग, ये हो गया हमारे पास योग, ठीक है। पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो देखो 12 चार 16 और 3 19, 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 19 की जो वैल्यू है हमारे पास वो दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 19 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 114 गुणा तीन। हमें निकालना है किसकी वैल्यू, सबसे बड़ी संख्या 12 की ओर निकालनी है, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 114 गुणा तीन बटे 19 गुणा 12, ठीक है ना। 19 छम होते हैं 114, कितने होते हैं 19 गुणा 6, ठीक है ना, छः नौ में चौवन छः पाँच ग्यारह, ठीक है, कितना हो जाएगा 12 छिंक 72 गुणा तीन, यानी तीन दुनी छः और तीन सत्तर 21, आंसर कितना हो गया हमारे पास 216। यानी सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, सबसे बड़ी संख्या कितनी आएगी 214, ठीक है। अब ये तीन से गुणा क्यों करी वो बताएंगे हम एवरेज में, ठीक है, क्यों, क्योंकि बता ही देता हूँ। देखो औसत जो होता है हमारे पास वो होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या,
ठीक है, यहाँ जरूरत थी योग की हमें, तो औसत को अगर संख्याओं की संख्या से गुणा करते हैं तो योग मिल जाता है, तो वही तो करा, औसत को संख्याओं की संख्या से गुणा करा तो योग मिल गया हमें। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 104। अब क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है किसी संख्या की तीन गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी संख्या के तीन गुने से, कोई संख्या है एक्स मान लेते हैं, उसके तीन गुने से, संख्या एक्स थी उसका तीन गुने से 7 घटाने पर परिणाम 14 आता है, तो संख्या पूछिए। ठीक है, 7 को इधर लेके जाओ तो 3x बराबर 14 प्लस 7 कितना हो गया 21, तो 3x बराबर हो गया हमारे पास 21, तो x कितना हो गया हमारे पास 7, ये पूछा था, ये हमारा आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 105 था, क्वेश्चन नंबर 106। 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, ठीक है ना, हमारे पास एक संख्या है 24, क्या है हमारे पास एक संख्या है 24, इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया गया, हमारे पास एक नंबर है 24, इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया गया, कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में, दो हिस्सों में जब ब्रेक किया हमने इसको, ठीक है, एक मान लेते हैं x और दूसरा मान लेते हैं 24 माइनस एक्स। ठीक है, पहले भाग का 7 गुना, पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना जोड़ने पर 146 आता है, बस सॉल्व क्वेश्चन खत्म। ठीक है ना, ये तो बोला पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग का 5 गुना का जोड़ 146 आता है, कितना हो गया ये 7x हो गया, 24 पंजे 120 माइनस का 5x बराबर 146। ठीक है, इसको इधर लेके आओ कितना हो गया 2x बराबर 120, उधर जा क्या होगा माइनस होगा, तो 146 माइनस का 120 तो कितना हो गया हमारे पास 26, तो x बराबर कितना हो गया 26/2, क्यों कितना हो गया जो हो गया हमारे पास 13, जो कितना हमारे पास 13 हो गया। और ये उसने पूछा था, क्या पूछा था उसने, पहला भाग, तो पहला भाग हमने x माना कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है कि तीन संख्याओं का योग 132, तीन संख्याओं का योग 132, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी और तीसरी पहली का एक तिहाई है, यानी फिर पहली को बीच में रखना है, दूसरी संख्या, पहली संख्या और तीसरी संख्या। उसने कह रखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, दूसरी से दोगुनी, दूसरी एक तो पहली दो, ठीक है ना, पहली भी संख्या है दूसरी की दोगुनी, दूसरी की दोगुनी, ठीक है, और तीसरी संख्या पहली की एक तिहाई है, पहली की एक तिहाई है, अगर एक तिहाई का मतलब ये तीन है तो ये एक है, ठीक है ना, ये तीन है तो ये एक है। ठीक है, बस चलो दो से गुणा इधर हो जाएगी, तीन से उधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये तीन हो गया, ये छः हो गया और ये दो हो गया, ये बन गया हमारे पास दूसरी संख्या रेशियो पहली संख्या रेशियो तीसरी संख्या। उसने कह रखा है इन सब का योग कितना 132, तो कितना हो गया 6, 3, 9 और 2, 11, यानी 11 की वैल्यू कितनी रखी हमें 132। पूछी क्या है हमसे दूसरी संख्या, यानी कि तीन की वैल्यू पूछी है, तीन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 132/11 × 3, तो 11 से काटेंगे तो कटेगा 11 कम 11 11 तो नहीं 22, आंसर कितना हो गया 12 3 36, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर 36। क्वेश्चन नंबर 107 था ये, ठीक है ना, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। क्वेश्चन नंबर 108 की, तो क्वेश्चन नंबर 108 है हमारे पास 74 को, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 106 की तरह है, ठीक है, जैसे हम 24 को डिवाइड किया था दो भागों में, ऐसे 74 को डिवाइड करवा रहा है दो भागों में, ये हमारे पास 74 है, इसको दो भागों में डिवाइड करना है, एक x में और एक 74 माइनस एक्स में, हम x y में मान सकते हैं लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा उसे। ठीक है, उसने कहा पहले भाग का 5 गुना, तो पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, यानी दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर कितने हैं 454 है, बस सॉल्व कर दो उसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस
कितना हो गया, 4 7 4 11 7 और 1 8, गुणा कर दिए इसको भाई, 11 चौक 44, हाँ से कितना लगे 4, 11 7 7 4 81 माइनस का 11x बराबर 454, क्या करें, ठीक है ना। यहाँ से कितना बचेगा, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर ले जाओ, कितना बचेगा 5 में से माइनस का 11 माइनस करेंगे कितना आएगा, ठीक है ना, माइनस 11 में से अगर 5 को जोड़ेंगे तो माइनस का 6x आएगा बराबर 454 माइनस का 814, ठीक है। तो 10 में 4 में से 4 गया 0, और यहाँ से कितना बचा, यहाँ तो कुछ लिया ही नहीं था, तो 11 में से 5 गया 6 बचेगा, और यहाँ गया तो 7 में से 4 गया 3 बचेगा, और वो भी माइनस का, ये माइनस का 6x है, तो माइनस से माइनस गया बराबर, काटो के 6 6 36 60, यानी x बराबर कितना आ गया 60, यानी पहला भाग कितना है इसका, पहला भाग कितना है 60, तो दूसरा भाग कितना हो गया 14, यही तो उसने पूछा था कि दोनों भाग बता दो कितने होंगे, पहला भाग 60 होगा दूसरा भाग 14 होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 109 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 109 है, यदि किसी संख्या का 3 गुना, कोई संख्या है उसका 3 गुना, यदि किसी संख्या का 3 गुना, ठीक है मान लिया संख्या x मान ली उसका 3 गुना, इस संख्या के 3/5 से, ये संख्या है इसका 3/5 से, यानी संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, कौन, ये 3 गुना, यानी कि जो 3 गुना है संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, 60 अधिक है, ठीक है ना, बराबर करने के लिए इसमें 60 करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, अधिक कौन है, अधिक तो ये है ना, उसने बोला है कि संख्या का 3 गुना संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, 60 अधिक यही तो है, अगर हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो उसमें 60 जोड़ना पड़ेगा, हमने जोड़ दिया 60 बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको इधर लेके आओ, कितना हो गया, ये हो गया 3x माइनस का 3x/5 बराबर का 60, जब एलसीएम लेंगे तो 5 3 15 एक्स माइनस का 3x/5 बराबर 60, ठीक है। तो 15 में से 3 गया 12 बचेगा, यानी कि 12x/5 बराबर 60, कितना हो गया 12 5 60, तो x कितना हो गया हमारे पास 25, उसने नंबर ही तो पूछा था, नंबर कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, ये क्वेश्चन था कौन सा था, ये था 109, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ, उसने कह रखा है कि 3 संख्याओं का योग 140 है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 4 गुनी है, ठीक है ना, फिर से पहली संख्या को बीच में रखना है, दूसरी संख्या, पहली संख्या और तीसरी संख्या, उसने क्या रखा है क्या कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, दूसरी अगर 1 है तो पहली 2 है, उसने ये तो बोला है कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, बिल्कुल ठीक है, और बोला है तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है, तीसरी संख्या की 4 गुनी है, यानी कि ये चार है तो ये एक है तो ये 4 है, बस ये 2 और ये कितना 4 4 8 और ये 2, ठीक है 4 8 2, इसको काटना चाहो काट सकते हो अभी, और लेकिन काटो मत, क्योंकि हमसे रेशियो थोड़ी पूछा है, हमसे आंसर वो पूछा है, संख्या पूछी है, कितना हो गया 6 4 8 12 2 14, 14 की वैल्यू कितनी रखी है उसने 140, हमसे क्या पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है 8, तो 8 की वैल्यू पूछी है, 80 हो गई हमारे पास, 10 बार कटेगा कितना हो गया 80, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, कितना हो गया, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 110, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 110, अब क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, यानी क्लास है उसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, ये दे रखा है बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करेगी,
ठीक है ना, कौन सी संख्या कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करेगी? वह संख्या बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करेगी जो इन दोनों के सम से नहीं कटेगी, 3 और 1 4। यानी जो भी ऑप्शन 4 से नहीं कटेगा वही हमारा आंसर होगा। पहला ऑप्शन 4 × 40 कटेगा, आंसर हो सकता है। 42 कटेगा क्या? 42 कटेगा 4 से? नहीं कटेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 42। उसने यही तो पूछा है कि संख्या को मतलब स्टूडेंट की संख्या को निरूपित नहीं कर सकती, वो संख्या स्टूडेंट की संख्या को निरूपित नहीं करेगी जो 4 से नहीं कटेगी। तो 4 से 40 तो कटता है तो वो तो निरूपित करेगा। क्या 42 कटता है 4 से? नहीं कटता। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चे कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते, ठीक है, बच्चे कभी पॉइंट में नहीं हो सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की 5 गुनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 है, यानी जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की 5 गुनी है, बिल्कुल 5 गुनी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती जो 6 से नहीं कटेगी? वही हमारा आंसर होगी। तो देखो 6 से 35 कटता है? नहीं कटता। तो 35 हमारा आंसर हो गया, यानी उस क्लास में 35 स्टूडेंट नहीं हो सकते। 24 भी हो सकते हैं 4 से कटते हैं, सॉरी 6 से कटते हैं। 42 भी हो सकते हैं 6 से कटते हैं। 30 भी हो सकते हैं 6 से कटते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 3 गुना है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करेगी? क्वेश्चन नंबर 111 और 113 सेम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 114 कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3 गुना है, ये क्वेश्चन भी 113 के समान है। क्वेश्चन नंबर 115 तीन संख्याओं में पहली संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तीनों संख्याओं का औसत 88, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बताता हूँ अभी इस क्वेश्चन का आंसर। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या की बात चल रही है, यानी पहली संख्या को फिर बीच में लिखना पड़ेगा हमें। उसने क्या रखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, ठीक है, तथा तीसरी की 3 गुनी है। तीसरी कितनी है? 3 गुनी, यानी कि ये 1 है तो ये 3 है, 3 की उड़ाइयाँ हो जाएगी, 2 की उड़ाइयाँ हो जाएगी, बस कितना हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 2, ठीक है। उसने क्या रखा है कि इसका औसत दे रखा है 88, तो योग कितना हो गया 88 × 3, ये हो गया इसका योग, ठीक है। मैंने बताया था पहले जब मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो ठीक है। चलो अब पूछा छोटी संख्या, तो देखो 6, 6 और 3, 9 और 2, 11, तो 11 की वैल्यू कितनी रखी है 88 × 3, और पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमसे छोटी संख्या जो कितनी है 2 की वैल्यू पूछी हमसे, तो 88 × 3/11 × 2 कितना हो, 11 × 88 8 से 24 × 48, तो आंसर कितना हो गया हमारे पास 48, कितना आंसर हो गया 48, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज तक कितने क्वेश्चन हुए हमारे, क्वेश्चन हो गए हमारे पास 115, और अगली वीडियो में इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक, तो आज के इतना ही।